के मानपुर पुलिस पर धार जिले के एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार की महिलाओं ने बताया कि 22 सितंबर की रात करीब 10 बजे 7-8 पुलिस वाले हमारे घर पर आए और दरवाजा ठोकने लगे। जब हमने पूछा कि कौन है, हमारे घर पर कोई नहीं है, हम अकेली महिलाएं हैं, तो बोले कि दरवाजा खोलो वरना हम पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने दरवाजा खोला और देखा तो पुलिस वाले शराब के नशे में थे और उनसे गाली गलौज करने लगे और गाड़ियों की चाबी मांग कर एक कार, एक बाइक और स्कूटी भी ले गए। इतना ही नहीं, जाते जाते गैस सिलेंडर भी साथ ले गई। इस पूरी घटना को देखकर गांव वाले भी आ गए, जिन्हें मानपुर पुलिस ने गाली गलौज कर भगा दिया। आखिर इंदौर जिले के मानपुर पुलिस ने धार जिले के क्षेत्र में ऐसा क्यों किया, इसके पहले आप सुनिए इस परिवार वालों की दास्तां इन्हीं की जुबानी। क्या नाम भाई आपका? मेरा सुनीता ठाकुर नाम है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे को पुलिस वाले आए थे परसों रोज को, और धमकी दी उन्होंने, दरवाजा ठोका बहुत देर तक, फिर बंदूक की उन्हें नीचे से लगाया। फिर मैंने बोला कि कौन है, तो बोले कि पुलिस वाले है करके दरवाजा, मैंने दरवाजा नहीं खोला है, तो बोले कि दरवाजा खोलो, नहीं तो 2-3 लात दी के दरवाजा खोली। फिर मैंने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला, मैंने बोला कि घर पे कोई नहीं है। क्या बोले उन्होंने कि क्यों आए वो, क्या बताया? मैंने बोला कि क्यों आए, तो बोले कि मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो, बड़ी गाड़ी की। अच्छा। तो मैंने बोला कि गाड़ी की चाबी नहीं है घर पे, ऐसा बोला। तो फिर बोले कि दरवाजा खोल दे तुम, तो मैंने दरवाजा खोला तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने बोला कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। अच्छा। तो फिर मैंने गाड़ी की चाबी, मेरे को पता नहीं था गाड़ी की चाबी कहाँ है। बहुत देर तक उन्होंने ठोका पीटी करा और मेरे को बोले कि तेरे को गाड़ी में बिठा के 2-3 लात दूंगा और गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा। मानपुर की पुलिस थी, उनके साथ में सुनील जाट भी था। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बोला उन्हें, क्यों आए, यूं बताया? हाँ, बोले कि हम गाड़ी लेने आए, बोले बड़ी गाड़ी लेने आए, बोले, और बोले कि इनका पापा कहाँ है, बोले। अच्छा। घर पे मैं अकेली थी और मैं गर्भवती हूँ, जब भी उन्होंने दरवाजा खुलवाया और मेरे को धमकी दी उन्होंने, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शीला पोवार है। क्या हुआ था, पुलिस वाला आए आपके घर पे, क्या हुआ? 22 रोज के रोज 8 लोग आए थे, 3 पुलिस में थे, 3 ट्रांसलिट सिविल ड्रेस में थे, तो आए थे, दरवाजा ठोक रहे थे, तो मैंने बोला कौन है, बोल रहे थे, बोले तो बोले दरवाजा खोलो, बोले दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो बोले हम दरवाजा तोड़ देंगे, ये बोल रहे थे, और गाली गलौज कर रहे थे, माँ की बहन की से गाली दे रहे थे, बोले जीवन गंदी गंदी गाली दी, गंदी गंदी गाली दे रहे थे, और बोल रहे थे, बोले जीवन का हम को यहाँ पे भैया है नहीं, बोले ऐसा वैसा वो गाली दे रहे थे, और फिर बोल रहे थे, बोले घर से घर में कुछ ढूंढा उनने कुछ? हाँ सर, क्या मिला? कुछ तेल का डब्बा, 2-3 टंकी लेके चले गए। अच्छा। और गाली दे रहे थे। अच्छा, वो किसको ढूंढने आए थे वो यहाँ पर? यहाँ भैया को ढूंढने के लिए आए थे। क्या नाम आपका भैया का? जीवन भैया। जीवन। हाँ। अच्छा, और क्या बोले उनने, कितनी गाड़ी ले गए आपके यहाँ से? एक बड़ी गाड़ी लेके थे और दो छोटी गाड़ी लेके चले गए, और चाय भी नहीं दी, तो बोले चाय भी दो तो हम मारेंगे, बोले। अच्छा। और गाली बहुत दे रहे थे उनको। क्या नशे पत्ते में थे कि क्या? हाँ, नशे में सर, वो नशे में थे, 2-3 लोग नशे में तो छिप गए थे, हमें दरवाजे नहीं खोला, फिर वापस आ गए थे और दरवाजा ठोक रहे, तो हम मार पीट। कितनी बजे रात को आए थे आपके यहाँ? सर 11-10 के लगभग आए थे। ठीक, क्यों भैया, जीवन के घर पुलिस आई थी उस दिन, तो रात में क्या हुआ? उसका दरवाजा खटकाया और दुकान में बाहर आना, तो देखा हमने। अच्छा। और हम पूछने लगे, बोले बुड्ढी तू बाहर जा, बोले निकल काई को लिए, हमार काम करने दे हमको। अच्छा, तो कहाँ की पुलिस थी? वो मानपुर की पुलिस थी। मानपुर की पुलिस आई थी। मानपुर की। अच्छा, तो आप यहाँ इनके घर पे रहते हो कि पास में रहते हो? हम पास में रहते। पास में रहते? हाँ, पास में रहते। तो और क्या क्या देखा आपने, क्या क्या ले गए यहाँ से? यहाँ से टंकी ले गए और लाड़ी को गला गुप्ता दिए, बोले कि धमकी दी उसको, नीचे से बंदूक भरी तो उसने दरवाजा खोल दिया, और कहते कि बोले 3-4 लाख दूंगा कह की। अच्छा। हम गए तो बोले तुम चुपचाप रहो, तुम बाहर जाओ, हमारा काम करने दो हमको। कितने लोग देखे आपने? वो थे 8-10। 8-10 लोग थे। हाँ। गाड़ी लेके आए थे? हाँ, गाड़ी। क्या नाम दादा आपका? रमेश। रमेश, कौन सा गांव है ये? भूरी घाटी। ये यहाँ पर ये दुकान पे आके पुलिस आई थी, वो क्या हुआ था उस दिन रात में? हाँ, तो पुलिस आए, धमकी दी और इनको भाई बहन उनको चमकाया धमकाया, दरवाजा खुलवाया, और इसके बाद में वो इनका हिसाब से धर पकड़ कर कुछ सामान ले गए। कोई चोरी चकारी नहीं की थी हम लोग ने, पर बाकी फिर भी धमकी लेकर गए थे साहब। आती तो हमारे धमन की पुलिस आती है, मानपुर पुलिस का क्या हक है हमारे इधर आने का? अच्छा, तो क्या आप इनके पड़ोसियों के इनके घर पे रहते? हम घर पे नहीं रहते, हम पड़ोसी है, सब में सब साथी है, सब गांव में मिल को रहते हैं हम।
अच्छा, कितनी गाड़ी ले गए हैं? गाड़ी यहाँ सब दो तीन गाड़ी ले गए हैं। और क्या ले गए? बाकी गैस की टंकी भी ले गए सब जनता। अब हम तो टाइम को फराम जितने भी आवाज आया था, जैसे भड़कल मिली मच्छी, जैसे खबर मिली वैसे हम दौड़ को चले आए, जब तक लेकर निकल ले। वो कितने लोग थे वो? अब इसमें पुलिस वाले हो सकते हैं साहब, दो गाड़ी थी तो दो गाड़ी में चार चार आदमी होगा, तो आठ आदमी तो होगा, दस आदमी होगा। सब ड्रेस में थे कि साइकिल? सब आधी को आधे ड्रेस में थे, आधे सादे ड्रेस में भी थे, और इसमें जाट बंधु उनका हाथ है साहब। तो सुना आपने, इंदौर जिले के मानपुर पुलिस ने धार जिला क्षेत्र भूरी घाटी गाँव के परिवार वालों को किस तरह से धमकाया गया और रात को घर परिवार की अकेली महिलाओं को परेशान किया गया, जो कि खाकी वर्दी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। जब हमें पता चला कि इंदौर जिले की पुलिस धार जिले के क्षेत्र में कोई कार्यवाही कैसे कर सकती है, तब हमारे संवाददाता ने सबसे पहले धामनोद एसडीओपी को फोन लगाकर जाना, तो उन्होंने साफ कहा कि दूसरे क्षेत्र की पुलिस हमारे क्षेत्र में कार्यवाही नहीं कर सकती है, यह नियम के विरुद्ध है। तब हमारी टीम मानपुर थाना पर पहुंची तो वहां थाना प्रभारी थाने पर मौजूद ही नहीं थे, तो वहीं थाना पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी मामले को लेकर गलत जानकारियां दे रहे थे। महोदय ने तो धार जिले की भूरी घाटी गांव को भी अपने थाना क्षेत्र का बता डाला। जब हमने थाना प्रभारी को फोन लगाकर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जीवन ठाकुर एक बड़ा स्मगलर है, हमने उसकी कार से 7 पेटी अवैध शराब खेड़ी सोद गांव से पकड़ी है और 34-2 के केस बना दिया है। हमने महोदय से पूछा कि फिर उसके गाँव भूरी घाटी से गाड़ियां क्यों लाई गई, तो कहने लगे कि हम पुलिस वर्ड में कहीं भी दबिश दे सकते हैं। जब हमने किराना दुकानदार जीवन के बारे में पता लगाया कि तो पता चला कि उस पर कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, तो फिर जीवन बड़ा स्मगलर कैसे हो सकता है? जीवन ठाकुर को स्मगलर बताने वाले मानपुर थाना प्रभारी की कार्यशैली पर कई बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर जीवन ठाकुर की गाड़ी से पुलिस ने शराब जब्त की तो गाड़ी वापस जीवन के घर कैसे पहुंच गई? कार से शराब जब्त की गई तो दूसरी दो गाड़ियां आखिर घर से पुलिस थाने पर क्यों ले गई? क्या जनाब के लाभदार शराब ठेकेदार का माल नहीं बेचने पर जीवन ठाकुर पर फर्जी केस लगाकर उसे फंसाया गया? जीवन ठाकुर के घर से पुलिस गाड़ियों के साथ साथ गैस सिलेंडर क्यों ले गई? जब घर पर जीवन नहीं मिला तो महिलाओं के साथ पुलिस ने गाली गलौज क्यों की? क्या आपके क्षेत्र में अवैध शराब का विक्रय नहीं हो रहा है? क्या मानपुर क्षेत्र में ढाबों और होटलों पर देर रात तक खुलेआम अवैध शराब नहीं परोसी जा रही है? इन सब पर आप जनाब अपनी आंखें क्यों मूंद कर बैठे हो? ऐसे हमारे कई तमाम सवाल मानपुर थाना प्रभारी से हैं, जिनका उत्तर भी वे बखूबी जानते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।